हैं। पटना से बड़ी खबर, शिक्षा विभाग ने बीपीएससी के सचिव को लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शिक्षकों को नहीं लगाने का आदेश। शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद वेरिफिकेशन करा रही है बीपीएससी, शिक्षकों से केवल शैक्षणिक कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी के सचिव को पत्र लिखा है और इस पत्र में लिखा गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शिक्षकों को नहीं लगाया जाए, ये आदेश दिया गया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद वेरिफिकेशन करा रही है बीपीएससी। आपको बता दें कि शिक्षकों से केवल शैक्षणिक कार्य कराने का ही निर्देश दिया गया है। तो पटना से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है जहां शिक्षा विभाग ने बीपीएससी के सचिव को पत्र लिखा है और इस पत्र में ये आदेश दिया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शिक्षकों को नहीं लगाया जाए। दरअसल आपको बता दें कि शिक्षा भर्ती परीक्षा के बाद बीपीएससी की तरफ से वेरिफिकेशन कराया जा रहा है और शिक्षकों से केवल अब शैक्षणिक कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र लिखकर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ संवाददाता उत्कर्ष जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से अब नया फरमान जारी किया गया है पत्र लिखकर, अब बीपीएससी के सचिव को यह आदेश दिया गया है कि जो भी शिक्षक है उन्हें अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं लगाया जाएगा, क्या कुछ जानकारी आपके पास? अब बिल्कुल पूजा, देखिए कुछ ही दिनों पहले बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था जहां पर कुल 1,70,000 से ज्यादा पद थे जिसको लेकर अब वेरिफिकेशन शुरू हो गई थी। बीते दिनों वेरिफिकेशन तमाम जिलों में की जा रही थी लेकिन ये वहां देखा गया कि जो शिक्षक है उन्हें इस कार्य में लगाया गया है, जिसको लेकर अब शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया और साफ कहा है कि शिक्षक जो है वो केवल शैक्षणिक कार्य करेंगे, इसके अलावा कोई कार्य नहीं करेंगे। और इसी को लेकर बीपीएससी के अध्यक्ष को यह पत्र लिखा गया है पर यह बात बताया गया कि शिक्षकों को अनावश्यक कार्य में ना लगाया जाए। और इतना ही नहीं, यह आदेश पहले भी जारी किया गया होता था उस वक्त जब बिहार में जातीय गन्ना को लेकर बातें सामने आई थी। पटना हाईकोर्ट के द्वारा जब यह कह दिया गया था कि जातीय गन्ना बिहार में होगा, उसके बाद भी के पाठक ने यह आदेश जारी किया था कि अब शैक्षणिक कार्य के अलावा शिक्षक कोई कार्य नहीं करेंगे। शिवानी, बिल्कुल उत्कर्ष, लेकिन फिलहाल देखिए जो नए नए फरमान शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए जा रहे थे उसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमले कर रही थी कि शिक्षकों से केवल शैक्षणिक कार्य के अलावा इन तमाम कामों को कराया जा रहा है जिससे कि शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में उन्हें बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाएगी। फिलहाल देखिए अब जो आदेश जारी किया गया है उसमें तो ये साफ कहा गया है कि शिक्षकों को केवल अब शैक्षणिक कार्य ही करना है। अब बिल्कुल देखिए, शिक्षक को केवल शैक्षणिक कार्य करने की ही बात जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा की गई है क्योंकि इससे पहले जब शिक्षकों को कई कार्य में लगाया गया था, जातीय गन्ना के कार्य में या और कोई कार्य होते थे तो शिक्षकों को सबसे पहले ले जाया जाता था, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने यह साफ कह दिया है कि शिक्षक कोई कार्य नहीं करेंगे और जब शिक्षक कोई और कार्य करेंगे तो शैक्षणिक कार्य कौन करेगा, क्योंकि जो स्कूल होते हैं वहां पर जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो शिक्षक का अभाव ऐसे भी बिहार में है और ऐसे में जब शिक्षकों को इस कार्य में लगा दिया जाएगा तो शैक्षणिक कार्य कौन करेंगे। शिवानी, ठीक है उत्कर्ष, हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो शिक्षा विभाग की तरफ से नया फरमान जारी किया गया है, शिक्षकों से केवल शैक्षणिक कार्य कराने का निर्देश जारी किया गया है और आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ड्यूटी लगाना नियमों के विपरीत है, शिक्षा विभाग ने कहा है।